अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब आप यूट्यूब चैनल। आप लोग सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो चलिए, हम यहाँ पर हमारा शुरू रहा है डे ब्लॉग्स। आप किसी टाइम का भी इसको कर सकते हैं, हमारे पर ये शाम के टाइम ये क्लिप्स है कुछ। तो मेरा शाम के टाइम शॉप पर जाने का टाइम हो रहा था, तो ये कबूतर चुका रहा था भाई जो मेरा। तो यहाँ पर हो गया था मेरा ब्रेकफास्ट, ये कर रही थी मैं, मैगी बनाई थी मैंने आज। मेरा मैगी खाने का दिल कर रहा था और ये चाय बना रही थी, मैगी और चाय, क्योंकि सुबह सुबह हम मतलब किसी किसी को भूख लगती है और किसी किसी को नहीं लगती, पर मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगती है। और ये मेरी चाय की क्लिप्स है और फिर मैं चली गई थी शॉप पर। तो आज मैं आपको एक अच्छी, बहुत अच्छी और बहुत बेहतरीन बात बताने वाली हूँ। आई मीन आप उसको वजीफ़ा ही समझ लीजिए, छोटा सा एक वजीफ़ा है जो कि हमको नमाज के साथ साथ कंप्लीट करना है। जब आप पांच वक्त की नमाज़ पढ़ते हैं, जैसे कि मेरी बहनें कोई कोई परेशान है, बहुत ज़्यादा बहुत तकलीफ पे हैं, उनको कुछ भी समझ नहीं आता कि वो क्या करे क्या ना करे, तो उनके लिए मैं एक वजीफ़ा लाई हूँ। तो वो इस वजीफ़े को पढ़े तो अल्लाह ताला उसको बहुत ज़्यादा सुकून देगा। जो भी परेशान है, डिप्रेशन में है, मतलब ऐसे बहुत सारे मसले होते हैं लड़कियों को जो वो किसी को बता नहीं सकती, और बहुत और उस मसले में रह भी नहीं सकती, मतलब उसका ये हो जाता है कि बस अल्लाह ताला कुछ भी आसानी कर दे। तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि मतलब जो लड़कियाँ बहुत ज़्यादा परेशान है, वो अपने लिए कुछ भी बुरा भला ना सोचे, अल्लाह ताला से दोस्ती करे, अल्लाह ताला से बात बनाए, अल्लाह ताला को राज़ी करे, वो इबादतें करे जो अल्लाह ताला को पसंद है, जैसे कि तहज्जुद की नमाज अल्लाह ताला को बहुत ज़्यादा पसंद है, दरूद शरीफ पढ़ना और इस्तग़फ़ार करना भी अल्लाह ताला को बहुत ज़्यादा पसंद है, और इस्तग़फ़ार करने वाले की दुआ बहुत जल्दी कबूल होती है। और ये मतलब यूट्यूब पर बहुत सारी स्टोरियाँ आती हैं, मेडिकल स्टोरियाँ जिसमें बताते हैं कि मैंने ये इस्तग़फ़ार पढ़ा और चार दिन में मेरी दुआ कबूल हो गई। कोई ऐसे बता देता है कि मेरी दुआ चार दिन में कबूल हो गई है, और कोई ऐसे बताता है कि मेरी दुआ 9 साल में कबूल हुई है, क्योंकि अल्लाह ताला हमको बेहतरीन वक्त पर ही देते हैं। बस हमको, हमारा काम ये है कि हमको मांगते रहना, हमको हर हाल में दुआ करनी है और मांगते रहना है। जब हमने सोच लिया ना कि हमको ये चीज़ चाहिए, इसको इस मतलब कोई चीज़ हो, कोई शख्स हो, हमने इसको पाना है, तो फिर जब एक बार दुआ स्टार्ट कर देना तो फिर गिव अप ना करें, दुआ को बीच में ना छोड़े, दुआ मांगते ही रहे जब तक कि वो चीज़ आपको हासिल ना हो जाए, आपके पास ना जाए, आप उसको अपनी आंखों से देख ना लो कि ये मेरी हो गई है। और जब तक वो चीज़ आपकी ना हो जाए, तब तक आपने दुआ मांगनी नहीं छोड़नी है। आपने हर वो काम करना है जो अल्लाह ताला को पसंद है। आपने अपना बिहेवियर, अपना बोलने चालने का तरीका सेम वैसा करना जिस अल्लाह को पसंद है। मतलब ऐसा होता है ना, जैसे कि हमारे माँ बाप हैं, तो हम चाहते हैं कि अम्मी है ना जो ये बात मान जाए, मुझे ये काम दे दे सीखने के लिए, मैं पार्लर का काम सीखना चाहती हूँ। मैं आपको एग्जांपल बता रही हूँ, जिसके कोई कोई लड़कियाँ होती हैं ना कि मैं पढ़ लूँ, मैं पढ़ना चाहती हूँ, तो वो अपनी अम्मी अब्बू से कहती है कि जैसा आप कहोगे मैं वैसा ही करूँगी, मैं कहीं इधर उधर नहीं जाऊँगी, ना ही मैं किसी के साथ बात करूँगी, बस मुझे ये काम सीख लेने दे या मुझे पढ़ लेने दे। उस सेम इसी तरह अल्लाह के साथ भी करें, अल्लाह ताला से बातें करें, अल्लाह ताला को कहें कि अल्लाह ताला जो भी आप कहेंगे मैं वही करूँगी, जिसमें आपकी रजा है उसमें ही मेरी रजा है, बस अल्लाह ताला ये चीज़ मुझे आप दे दीजिए। ताकि जब आप एक बार दुआ मांगना शुरू कर देना, अल्लाह को मनाना शुरू कर दे, तो फिर बीच में नहीं छोड़े, फिर रुके नहीं, फिर आपने हर वो काम करना है जो अल्लाह ताला को पसंद है। जो जो चीज़ें अल्लाह ताला को पसंद है, अल्लाह के जो 99 नेम्स हैं ना, वो अल्लाह ताला को बहुत पसंद है। आप उनको पढ़े, उनको अल्लाह ताला के नाम को कसरत से पढ़े, और पढ़ने के बाद फिर दुआ मांगे, और जो भी इबादत करे, नमाज पढ़े, कुरान पढ़े, तस्बीह पढ़े, दुरूद शरीफ पढ़े, जो भी पढ़े, अल्लाह ताला से दुआ मांगे, गिड़गिड़ा कर दुआ मांगे, रो कर दुआ मांगे, तड़प कर दुआ मांगे। जैसे कि माँ बाप अपनी लड़की से कितनी मोहब्बत करते हैं, अगर लड़की माँ बाप के सामने एक बार रो दे कि मुझे ये चीज़ चाहिए, तो माँ बाप कैसे तड़प उठते हैं।
माँ कैसे तड़प उठती है कि चल जो भी तुझे चाहिए हम वो तुझे वो देंगे, बस रोना बंद कर दे। और अल्लाह ताला तो हमसे इतनी मोहब्बत करते हैं, अल्लाह ताला हमको कितना चाहते हैं, फिर आप छोटी छोटी परेशानियों में रोने लग जाते हो, तड़पने लग जाते हो। जब आप रोते हो ना तो अल्लाह ताला को आप पर बहुत प्यार आता है, बहुत ज़्यादा। और अगर जिस दिन आप देखोगे ना कि अल्लाह ताला आपसे कितनी मोहब्बत करते हैं तो आपका दिल फट जाएगा। अल्लाह आपसे इतनी मोहब्बत करते हैं, आपको इतना चाहते हैं, और आपकी हर दुआ जो भी आप मांगते हैं आपकी हर दुआ कबूल होती है, आपकी सारी ही दुआएं कबूल होती हैं। बस अल्लाह, शर्त ये है कि आपको यकीन रखना है कंसिस्टेंसी के साथ, रात दिन रात दिन, जब भी आपको टाइम मिले, जब भी आपके दिमाग में वो चीज़ आए जो आपको चाहिए, आपको उसके लिए हर वक्त दुआ करनी है। वो मतलब कोई दिन ऐसा होता है ना, एक दिन में एक टाइम ऐसा होता है कि दुआ ज़रूर कबूल होती ही होती है। तो अपना भी ऐसा ही वो कर ले कि अपने दुआ को बिल्कुल भी गिव अप ना करे, बिल्कुल भी छोड़े ना दुआ को, और सूरह यूसुफ़ की कसरत करे, रोज़ डेली सूरह यूसुफ़ पढ़े। सूरह यूसुफ़ है ना जो, उसमें हर मसले का हल है, जैसे कि सूरह यासीन है, सूरह मुजम्मिल है, सूरह यूसुफ़ है, और सूरह रहमान है। बहुत सारी ऐसी सूरतें हैं जो आपको सुकून देती हैं और जिससे आपको आपका मकसद हासिल हो सकता है। और सबसे पहले तो आपने अल्लाह ताला से दोस्ती बना लेनी, और जब अल्लाह ताला से आपकी पक्की दोस्ती बन जाए, जब आपके दिल में सुकून आ जाए, आपको लगने लगे कि सब कुछ ठीक है, आपको अच्छी फीलिंग्स आने लगे, तो फिर समझ जाए कि अल्लाह ताला ने आपको दोस्त बना लिया है। और जब तहज्जुद के टाइम आपकी आँख खुलने लगे तो आपने अल्लाह को बहुत बेहतरीन, अल्लाह ने आपको बहुत बेहतरीन दोस्त चुन लिया है। अल्लाह ताला भी आपसे बहुत मोहब्बत करते हैं, बहुत ज़्यादा। अल्लाह ताला बिल्कुल नहीं ऐसे चाहते कि आप परेशान हो, रोए, तड़पे। अल्लाह ताला अगर आपके ऊपर कोई मुश्किल डाल रहे हैं ना, तो अल्लाह ताला ये देख रहे हैं कि मेरा बंदा मोमिन है या नहीं। और मोमिन बंदे वो होते हैं जो यकीन रखते हैं, दुआ करते हैं, इबादत करते हैं। ऐसे ही जब भी आपके ऊपर कोई मुश्किल आए, परेशानी आए, सूरह यासीन पढ़े, सूरह मुजम्मिल पढ़े, सूरह यूसुफ़ पढ़े, जितना ज़्यादा हो सके अल्लाह ताला के करीब हो जाए। मुझे तो ये लगता है जो मुश्किल वक्त आता है ना, ये मुश्किल वक्त आता ही इसलिए है ताकि हम अल्लाह के करीब हो जाए, अल्लाह से मोहब्बत करें, अल्लाह से प्यार करें, अल्लाह को अपना वक्त दे, अल्लाह को अपना खूबसूरत वो वक्त दे जिसमें सब लोग चैन सुकून की नींद सो रहे होते हैं और आप चैन माच पर बैठ कर रो रहे होते हैं। पता है जब आप तहज्जुद में उठकर जनमाज पर बैठकर किसी चीज़ के लिए रोते हैं तो अल्लाह को आपके ऊपर कितना प्यार आता है, अल्लाह को कितना वो आता है। अल्लाह ताला फरिश्तों से कहते हैं कि देखो मेरा बंदा 3 बजे उठकर रात को तहज्जुद में मेरे लिए रो रहा है, मुझसे कुछ मांग रहा है। अल्लाह कहते हैं कि ये अपना सबसे बेहतरीन बेस्ट टाइम छोड़कर, नींद छोड़कर अपनी मुझसे दुआ मांग रहा है, तो मैं इसकी दुआ कैसे रद्द कर दूँ। और मुझे तो ये लगता है कि दुआ कभी रद्द होती ही नहीं है, दुआ हर हाल में कबूल होती ही होती है। और अगर आप सीधे से दुआ मांग रहे हैं किसी चीज़ के लिए, तो फिर यकीन कर लीजिए कि वो चीज़ आपके लिए है और अल्लाह ताला उसको आपके लिए बेहतर कर रहे हैं और बेहतरीन वक्त पर उसको अता कर देंगे आपको। तो अपना यकीन बनाए रखें। और मैं आपको बता देती हूँ कि इस्तग़फ़ार की कसरत करते रहे, क्योंकि हमें पता नहीं है हमसे कितने गुनाह हो जाते हैं, रात में दिन में, हम मतलब हर चीज़, जैसे कि हमने किसी से ऊंची आवाज़ में बात कर ली, उसका दिल दुख गया, तो वो भी गुनाह ही हो गया एक, हमने किसी का दिल दुखा दिया। इसीलिए किसी से भी ऊंची आवाज़ में बात नहीं करें, प्यार से बात करें, और जो आगे से गुनाह नहीं करे, गलती नहीं करे, सबसे प्यार से बात करे और सबको दुआएँ दे, सबके लिए दुआ करे, और किसी से बहसबाजी ना करे, किसी से झगड़ा ना करे, किसी का दिल ना दुखाए। और अगर आपने किसी का दिल दुखा रखा है तो उससे माफ़ी मांग ले, या अगर आपका किसी ने दिल दुखाया तो आप उसको माफ़ कर दे और अल्लाह ताला के करीब हो जाए और इस्तग़फ़ार की कसरत करे। इस्तग़फ़ार की इतनी कसरत करे, इस्तग़फ़ार पढ़ने से आपकी हर दुआ, हर मुश्किल आसान हो जाएगी, हर मुश्किल आसान हो जाएगी। और अगर आप दरूद शरीफ नहीं पढ़ते हैं तो अपनी एक रूटीन बना लीजिए कि आपने एक दिन में दरूद शरीफ जरूर पढ़ना, आपने आदत बनानी है कि आपने एक तस्बीह 100 दानों वाली रोज़ 100 दरूद शरीफ जरूर पढ़ना है।
आपने एक तस्बीह सौदान वाले दरूद शरीफ की ज़रूर पढ़नी हर हाल में। आप चाहे तो दिन में पढ़ लें, आप चाहे तो रात में पढ़ लें, क्योंकि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और इससे बहुत ज़्यादा सवाब मिलता है और हमारी मुश्किलें आसान होती है और अल्लाह ताला हमसे बहुत मोहब्बत करते हैं। और जब हम अल्लाह ताला के साथ साथ उसकी मोहब्बत को भी याद करते हैं तो अल्लाह ताला हमसे कितनी मोहब्बत करेंगे, आप यकीन कीजिए। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला की मोहब्बत, अल्लाह ताला के महबूब बंदे थे, महबूब थे अल्लाह ताला के। तो आप देखिए कि अगर आप किसी इंसान से मोहब्बत कर रहे हैं और उसके साथ साथ उसकी मोहब्बत से भी मोहब्बत करेंगे, यानी कि जो उसको सबसे ज़्यादा पसंद चाहिए, आप किसी के माँ बाप किसी को ज़्यादा पसंद होते हैं, तो अगर मतलब आप किसी शख्स से मोहब्बत कर रहे हैं और उसके माँ बाप से भी मोहब्बत करेंगे तो फिर वो शख्स आपसे कितना खुश हो जाएगा। तो यकीन कीजिए, जिसने आपको और उस शख्स को बनाया है, अगर आप उस अल्लाह ताला के महबूब से मोहब्बत करेंगे, उस पर दरूद शरीफ भेजेंगे, दरूद शरीफ की कसरत करेंगे, तो यकीन कीजिए अल्लाह ताला कितने खुश हो जाएंगे। अल्लाह ताला इतने खुश होंगे कि वो आपको खुश कर देंगे, वो आपके दिल में इतना सुकून डालेंगे, इतनी आपकी ज़िंदगी इतनी अच्छी कर देंगे कि कभी कभी ज़िंदगी ऐसी हो जाती है कि कुछ भी समझ में नहीं आता कि क्या करें क्या नहीं। तो उसी टाइम पर बस दरूद शरीफ की कसरत कर दी, जब कुछ भी समझ में ना आए ना उसी टाइम पर दरूद शरीफ की कसरत शुरू कर दें। मेरी भी लाइफ में कुछ अप डाउन्स आते हैं तो मैं दरूद शरीफ की कसरत करती हूँ, इस्तग़फ़ार पढ़ती हूँ, दरूद शरीफ पढ़ती हूँ, और जितना ज़्यादा हो सकता है मैं अल्लाह ताला के करीब हो जाती हूँ और नमाज़ों की पाबंदी करती हूँ, क्योंकि नमाज़ है एक ऐसी चीज़ है जो दिल को सुकून दे सकती है, वरना दुनिया में कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो दिल को सुकून दे। नमाज़ पढ़ने से ही सब मसले हल होते हैं।